तारीख की कुतुब से रवायत है कि आज से 1400 साल कब जब वाक़ करबला रोनुमा हुआ तो ब्राह्मी कबीला उस वक्त बगदाद में आबाद था। हुसैनी ब्राह्मी बताते हैं कि उनका भूर से आला राहिब सिद्दत जो उस वक्त में औलाद था और हुसैन अली सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और औलाद दरीना के लिए दुआ की दरख्वास्त की। हुसैन अली सलाम ने बताया कि इनकी किस्मत में औलाद ना है। तो ये सुनना था कि सिद्दत ने ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया और इमाम अली सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। इमाम अली मकाम ने अल्लाह के हुजूर दस्त दुआ बुलंद किया और दस्त को वही सुनाई कि इसके हाँ बेटा पैदा होगा। इमाम ने बाद अज़ान उसे 7 बेटों की भी खुशखबरी सुनाई और इस तरह अल्लाह ने दस्त को 7 बेटे अता किए। आज भी हुसैनी ब्राह्मणों की खास तादाद अपने नाम के 7 दस्त लिखती है और उनका ये मानना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा होने वाले दत्त के 7 बेटों की औलाद है और यही वजह है कि वो आज भी इसी नस्बत की बदौलत खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहलवाते हैं। हुसैनी ब्राह्मण बलहाज अकीदा तो हिंदू हैं, ताहम इनके बाकी अकायद हिंदुओं के बरबाद इस्लाम से मिलते जुलते हैं। तकरीब पाक और हिंद से कबल हुसैनी ब्राह्मण लाहौर में आबाद थे जो बाद अज़ान नकल मकानी करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। आजकल ये लोग पाकिस्तान के सूबे सिंध और पंजाब के अलावा हिंदुस्तान के महाराष्ट्र राजस्थान और दिल्ली में आबाद हैं, जबकि इनकी एक खास तादाद अरब ममालिक में भी मौजूद है। ये लोग हिंदुओं की तरह शिव महाराज की पूजा करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, वाक़ करबला के मुनासबत से मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं जिनमें एक ये है कि ये लोग बगदाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे कि इन्हें इमाम अली मकाम की 10 मुहर्रम 64 हिजरी में शहादत की खबर मौसूल हुई, जबकि एक और रवायत के मुताबिक 10 मुहर्रम को ये इमाम के साथ मौजूद थे। हुसैनी ब्राह्मण की रवायत के मुताबिक वाहिद की इमाम अलैहिस्सलाम से अकीदत का ये आलम था कि जब उसे वाक़ करबला की खबर हुई तो उसने अपने बेटों के हमरा यजीदी फौजों का पीछा किया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बाज़याब करवा लिया और दमिश्क ले गए। यजीदी फौज ने राहिब को इस जुल्म की पादाश में गिरफ्तार करके यजीद के सामने पेश किया तो यजीद ने इंतहाई सख्त लहजा अपनाते हुए उससे हुसैन अलैहिस्सलाम का सर वापस करने को कहा। राहिब ने अपने बेटे का सर कलम किया और यजीद की तरफ भेज दिया, लेकिन यजीद ने ये कहते हुए सर वापस कर दिया कि ये किसी और का सर है। राहिब ने अपने दूसरे बेटे का सर भेज दिया, लेकिन फिर भी नाकामी हुई। इस तरह राहिब ने अपने 7 बेटों के सर एक के बाद एक करके यजीद की तरफ रवाना किए, लेकिन यजीद ना माना और राहिब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इसके हवाले करना पड़ा। आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हुसैनी ब्राह्मण हर साल मुहर्रम अल हराम में इमाम अली मकाम पर ढाए गए मुजालिम की याद ताज़ा करने के लिए मजालिस में शरीक होते हैं। इंडिया में हुसैनी ब्राह्मण ताज़ियों का जुलूस हर साल यौम अशूर ब्राह्मण करते हैं और सीना को भी करते हुए जुलूस को मुकर्रर रास्तों से गुजार कर एक खास मकाम पर इख्तिताम करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में मौजूद हुसैनी ब्राह्मण मकदार में कम होने के बायस जुलूस का अहतमाम तो नहीं करते, लेकिन आज़ादाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के रास्तों में पानी शरबत और दूध की सबीलों का बंदोबस्त करते हैं। नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि भारतीय फिल्म स्टार सुनील दत्त और इनके बेटे संजय दत्त का ताल्लुक भी इसी हुसैनी ब्राह्मण कबीले से है। कुछ अरसा कबल संजय दत्त का मुसलमान होने और मुसलमानों की दरकर्दा मदद करने के शोबे में गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, न सिर्फ हुसैनी ब्राह्मण बल्कि सिख और हिंदुओं के दूसरे ग्रोह भी यौम अशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। मशहूर हिंदू शहरा देवी रूप कुमारी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से न सिर्फ अपनी बल्कि तमाम हिंदुओं मजाहब की अकीदत का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया है। बेदीन हूँ बेपीर हूँ हिंदू हूँ कातिल शब्बीर नहीं, हुसैन अगर भारत में उतारा जाता
हुसैन अगर भारत में उतारा जाता, यू चांद मोहम्मद का न धोखे के मारा जाता। ना बाजू कलम होते ना पानी बंद होता, ना बाजू कलम होते ना पानी बंद होता। गंगा के किनारे गाजी का अलम होता, हम पूजा करते उसकी सुबह शाम, हम पूजा करते उसकी सुबह शाम। हिंदू भाषा में वो भगवान पुकारा।